नमस्कार, मैं उप्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। पहले चरण के 71 सीटों पर नामांकन की शुरुआत आज से। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 71 सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। दूसरी तरफ राज्य के दो बड़े गठबंधन सीट बंटवारे की गुत्थी बुधवार देर शाम तक नहीं सुलझ पाई है। रात तक सीट बंटवारे पर बैठक का दौर जारी रहा। वहीं इसी बीच महागठबंधन को माले की तरफ से भी झटका मिला है और 30 उम्मीदवारों की सूची माले की तरफ से जारी कर दी गई है। साथ ही यह भी चेतावनी दी गई है कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो वो जल्द दूसरी सूची जारी कर देगी। एनडीए में जहां लोजपा को लेकर पेच फंसा हुआ है, वहीं गठबंधन में कांग्रेस और राजद के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय नहीं हो पाया है। पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के प्रथम चरण के चुनाव की गुरुवार को अधिसूचना जारी होगी। साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। पटना में वाहन चेकिंग के दौरान राजद नेता की यूपी नंबर वाले लग्जरी कार से रुपए हुए बरामद। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के विस्कोमान के पास बुधवार की देर शाम वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस प्रशासन की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस बीच जिस बात की आशंका थी वही सही साबित हो रही है। जांच के दौरान एक लग्जरी कार में 74 लाख रुपए बरामद हुए हैं। यह रुपए कार की डिक्की में बंद थे और इसको अंदर छिपा कर रखा गया था। सदर एसडीओ नितिन सिंह के मुताबिक पकड़ी गई लग्जरी कार पर यूपी का नंबर पाया गया था। प्रारंभिक जांच में पकड़ी गई कार रोहतास के एक राजद नेता के पाई गई है। कार में नेता मौजूद नहीं थे। उनका चालक सोनू ही रुपयों की खेप लेकर जा रहा था, लेकिन उसके पास रुपए से संबंधित कोई कागजात नहीं पाए गए हैं। रुपयों की गिनती जारी है। ड्राइवर को हिरासत में लेकर पुलिस प्रशासन की टीम पूरे मामले की जांच करने में जुट गई है। बिहार के यात्रियों के लिए सरकार ने दी बड़ी राहत। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन को रवाना किया जाएगा। पूर्व मध्य रेल यात्रियों की भीड़ को देखते हुए बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना की जाएगी। ईसीआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी और बताया है कि बापूधाम मोतिहारी से दिल्ली के लिए 2 अक्टूबर को स्पेशल ट्रेन का परिचालन करवाया जाएगा। वापसी में यह स्पेशल ट्रेन 4 अक्टूबर को दिल्ली से बापूधाम मोतिहारी के लिए खोली जाएगी। एक ट्रिप चलाए जाने के बाद यह स्पेशल ट्रेन पूर्णतः आरक्षित होगी। और राजेश कुमार ने यह भी बताया कि गाड़ी संख्या 05219 बापूधाम मोतिहारी दिल्ली स्पेशल 2 अक्टूबर को बापूधाम मोतिहारी से 2:10 पर खुलेगी और अगले दिन 3 अक्टूबर को 6:15 पर दिल्ली पहुंचेगी। चुनाव के कारण अब 2446 पदों के दरोगा भर्ती परीक्षा होगी 29 नवंबर को। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अक्टूबर में निर्धारित दरोगा और सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा स्थगित कर दी गई है। उसके बाद बीपीएससी ने दरोगा मुख्य लिखित परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी थी। 11 अक्टूबर को निर्धारित परीक्षा अब 29 नवंबर को दो पालियों में आयोजित करवाई जाएगी। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार ने इस बात की जानकारी दी और बताया है कि पुलिस अवर निदेशक परिचारी एवं सहायक अधिकारी के लिए 2446 पदों के लिए मुख्य परीक्षा 11 अक्टूबर को निर्धारित थी। हालांकि चुनाव कार्य की वजह से परीक्षा केंद्र की अनुपलब्धता के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। कोविड-19 की आशंका को देखते हुए इससे पहले मुख्य परीक्षा को 26 अप्रैल 23 अगस्त को भी स्थगित किया जा चुका है। 13 दिसंबर को आयोजित होगी एनसीईआरटी एनटीएसई के स्टेज 1 की परीक्षा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2020-21 की तारीख जारी कर दी गई है। एनसीईआरटी द्वारा ली जाने वाली छात्रवृत्ति परीक्षा की प्रारंभिक स्तर यानी स्टेज 1 परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर को आयोजित करवाया जाएगा। वहीं दूसरी स्टेज की परीक्षा 13 जून 2021 को ली जाएगी, जिसमें स्टेट बोर्ड के साथ नेशनल बोर्ड में पढ़ने वाले 10वीं के छात्र शामिल होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल छात्र ही सेकेंड स्टेज की परीक्षा में शामिल होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख अभी जारी नहीं की गई है। राज्य के एससीईआरटी और इसकी तरफ से जल्द ही ऑनलाइन आवेदन जारी कर दिया जाएगा। एनसीईआरटी के लिए आयोजन हर साल 2 स्टेज में किया जाता है। दूसरे स्टेज में चयनित छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए हर साल छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसमें बिहार के 691 कोटा मौजूद है। लालू के 60 कैंडिडेट का नाम कर दिया गया फाइनल। चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीट शेयरिंग को लेकर सियासी दलों के बीच पूरा मामला फाइनल नहीं हो पाया है। एनडीए में चिराग पासवान की लोजपा को लेकर खींचतान जारी है। वहीं महागठबंधन में कांग्रेस और वामदल तेजस्वी के ऑफर से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए और खींचतान के बाद लालू प्रसाद यादव ने 60 कैंडिडेट का नाम फाइनल कर दिया है। लालू प्रसाद यादव के खास कहे जाने वाले भोला यादव सीधे राबड़ी आवास पर पहुंच गए थे, जहां तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि भोला यादव उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर लालू यादव के पास पहुंचे थे। आधिकारिक जानकारी की माने तो लालू यादव ने तेजस्वी की लिस्ट को फाइनल कर दिया है, सिंबल पर साइन भी कर दिया, जिसके बाद अब जल्द ही तेजस्वी यादव उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए आयोग ने 78 पर्यवेक्षक किए नियुक्त। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 78 चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। यह सभी उत्तर प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1996 से लेकर 2014 बैच के अधिकारी हैं। चुनाव के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में यह सभी चुनाव आयोग की अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। गुरुवार से प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने से चुनाव आयोग ने यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस संबंध में पत्र जारी कर दिया है। प्रदेश में अलग अलग पदों पर तैनात है और इन्हें अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी
भी दे दी गई है। इसके अलावा अन्य राज्यों के IAS IPS अफसरों को भी विधानसभा चुनाव में पर्यवेक्षक बनाया गया है। जानकारी के अनुसार कई पर्यवेक्षक शुक्रवार को बिहार पहुंच रहे हैं। इनमें से अधिकांश क्षेत्रों में जाएंगे जहां पहले चरण का मतदान करवाया जा रहा है। बिहार चुनाव में बड़ी रैलियों का होगा आयोजन। COVID-19 के माहौल में लॉकडाउन हुए देश को अब अनलॉक पूरी तरीके से किए जाने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार ने अब अनलॉक के 5वें चरण को पूरे देश में लागू कर दिया और जिसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इस गाइडलाइन के मुताबिक सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज 15 अक्टूबर से खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही बड़े मैदान पर बड़ी रैलियों और सभाओं का आयोजन भी करवाया जा सकेगा। अनलॉक के 5वें चरण के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने साफ तौर पर बताया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर क्षेत्रों में किसी भी सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों के आयोजन के लिए 100 व्यक्तियों के साथ आयोजन की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 15 अक्टूबर के बाद से 100 व्यक्तियों से ज्यादा संख्या के साथ ऐसे आयोजन की अनुमति दी रही है। चुनाव आते ही सभी पार्टियों में लौंगी और दशरथ मांझी की होने लगी जय जय। चुनाव आते ही दशरथ मांझी और लौंगी भुइया को सभी चुनावी दल याद करने लगे हैं। मिली जानकारी के अनुसार पूरे देश में उदाहरण पेश करने वाले लौंगी भुइया का नाम दोनों विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का एजेंडा बन गया है। बिहार झारखंड की सीमा से सटे इमामगंज बांके बाजार के बीच का छोटा सा कस्बा कोठिलवा है जहां से लौंगी भुइया पर पइन खोदने की धुन सवार हुई थी, जिसके बाद उन्होंने 20 साल में अपना लक्ष्य प्राप्त किया था। वहीं अब उनसे मिलने के लिए राजनीतिक पार्टियों में देखने को पहुंच रही है। एक पार्टी के जिला स्तरीय नेता इनसे मिलने के लिए और उन्हें जल संरक्षण योजना का आइकॉन तक बता चुके हैं। नेताओं ने लौंगी भुइया के नाम पर चुनावी एजेंडा शुरू कर दिया है। चिराग पासवान ने लोजपा के अस्तित्व को मिटाने के बारे में नहीं सोचने की दी नसीहत। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एनडीए में सीट बंटवारे पर चल रही बातचीत के बीच लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपना बयान जारी कर दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को कोई दबाना, छोटा करने या अस्तित्व मिटाने की अगर सोचेगा तो यह संभव नहीं होगा। पार्टी हमारी मां है और इसे आगे बढ़ाना है। उन्होंने पार्टी नेताओं से पूछा था कि आप लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार है ना। इस पर सभी के एक सुर में चिराग पासवान से कहा कि आपको जो भी फैसला होगा वही हम करेंगे। दिल्ली में अपने पार्टी पदाधिकारियों से उन्होंने कहा कि उनके पापा रामविलास पासवान उनके हर भाषण में बोलते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रहित, उसके बाद पार्टी का हित, आखिर में व्यक्ति का हित। उन्होंने आगे कहा कि हमारे किसी भी कार्यकर्ता को व्यक्तिगत हित की चिंता नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को जो भी निर्णय होगा वो पार्टी हित के लिए ही होगा। राजद ने जाने वालों को नहीं रोकने की कही बात। अपनी जिद पर अड़े राजद और कांग्रेस आज पूरी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद सीट शेयरिंग पर एकमत से फैसला हालांकि नहीं हो पाया है। राजद अभी कांग्रेस को 58 सीट देने की बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है। इसी बीच कभी राजद के साथ मजबूती से खड़े होने वाले भाकपा माले ने अपने 30 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर महागठबंधन की एकता को थोड़ा सा हिला दिया है। इसके पहले टिकट बंटवारे को लेकर राजद के रहस्यजनक चुप्पी से परेशान हम और रालोसपा महागठबंधन से वापस जा चुके हैं। वहीं आम दलों को लेकर के बाहर जाने को लेकर राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रीय जनता दल का साथ छोड़कर जाने वाले दलों को रोका नहीं जाएगा, 2 दिन में गठबंधन को सुलझाया जाएगा। इसके साथ ही राजद अपने सिद्धांतों से कोई अनदेखी नहीं करेगी। आईपीएल के 13वें संस्करण में आज आमने सामने होंगे किंग्स इलेवन पंजाब और मुंबई इंडियंस। पिछले मैच में बेहतरीन खेलने के बावजूद हार का सामना करने वाली मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम आज आमने सामने भिड़ने वाली है। हालांकि दोनों टीम आज मैच के दौरान छोटी छोटी गलतियों से बचकर जीत की राह पर लौटने की कोशिश करेगी। मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस ने अपना पहला मैच गंवाया था, हालांकि कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर उसने शानदार वापसी की थी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हालांकि छोटी छोटी गलतियां उन्हें भारी पड़ी थी। मुंबई में कितने लाजवाब पारी खेलते हुए 202 रन के लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास किया था, लेकिन आखिर में सुपर ओवर के सामने हार का सामना करना पड़ा। लगभग यही स्थिति किंग्स इलेवन पंजाब की भी देखने को मिली थी, जहां पंजाब लगभग मैच को जीत चुकी थी, वहीं राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें करारी हार दी थी। हालांकि दोनों टीम जीत के इरादे से मैदान में एक दूसरे के आमने सामने आज होगी। सिनेमाघरों के खुलने पर खुश हुए अभिषेक बच्चन को लोगों ने किया ट्रोल। सिनेमाघरों को खोलने के फैसले पर अभिषेक बच्चन काफी खुश नजर आ रहे थे, जिसके तहत गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए अनलॉक 5 की गाइडलाइन के अनुसार 15 अक्टूबर से सिनेमाघरों को खोलने का फैसला लिया गया है, जिसको सुनने के बाद अभिषेक बच्चन ने खुशी जताई थी, जिसके बाद लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था। एक यूजर ने लिखा कि आपको सिर्फ अपने पैसों की चिंता है। हालांकि अभिषेक बच्चन ने कमेंट करने वालों को भी करारा जवाब दिया। अभिषेक बच्चन ने यूजर का जवाब देते हुए लिखा कि हाँ, पैसा जरूरी है, सभी के लिए है, लेकिन मैं अपने उन लाखों भाई बहनों के बारे में सोच रहा हूँ जो हमारी इंडस्ट्री में काम करते हैं और यहाँ पैसे कमाते हैं। सिनेमा को टर्न स्टाइल के साथ फिर से शुरू किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक यूजर ने यह भी लिखा है कि COVID-19 पॉजिटिव होने की बात पर भी तंज कसते हुए कहा था कि आप वही थे जिन्होंने COVID-19 पॉजिटिव होने के बाद लोगों को घरों में रहने की नसीहत दी थी, जिस पर उन्होंने कहा कि हाँ, 7 हफ्ते पहले मैं भी पॉजिटिव पाया गया था, उस समय मैं काफी कुछ बदल गया है, हमें अभी भी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सरकार ने 6 महीने पहले ही सुरक्षा मानदंडों को ध्यान में रखते हुए खोलने का निर्णय लिया था। देश में COVID-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 63 लाख के पार। देश में COVID-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में कुल मिलाकर 86
81,821 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या 63,12,584 पर पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में 1,181 लोगों की जान जा चुकी है, जिसके बाद जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 98,678 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने ठीक होने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी बताई है। अब तक कुल मिलाकर 51,73,201 मरीज ठीक हो चुके हैं, कोविड-19 संक्रमण से पहले मुक्त हो चुके हैं। वहीं 9,40,705 मामले सक्रिय है। वहीं प्रभावित राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक कुल मिलाकर 13,84,446 मरीज प्रभावित हो चुके हैं, जिसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों का नाम शामिल है, जहां पर प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार एनडीए के सभी घटक दल लोजपा के साथ सीट शेयरिंग को लेकर जारी विवाद सुलझाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।